काजल बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है बिहार झारखंड में, कैसा लगा आपको बिहार आके? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आके यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके फिल्म देखना बहुत ही अलग है। और मैं हर एक्टर्स को यही बोलूँगी जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं, प्लीज़ आइए और आप अपने लोगों के साथ आके फिल्म देखिए, उनकी रिएक्शन देखिए, उनको क्या चीज़ पसंद है वो देखिए, ताकि इससे हमें भी पता चलेगा कि फिल्म मेकर्स को पता चलेगा कि कैसे टाइप के सब्जेक्ट। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी फिल्म काजल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट हमने लिया है और इस पे जो मुद्दे पे हमने फिल्म बनाई है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत सी महिलाएं लोग की फिल्म देखने के लिए आई हैं अपने बच्चियों को लेकर के, उनको बहुत ये फिल्म पसंद आई और बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त कहाँ हैं आप? इस वक्त हम शेखर सिनेमा हॉल में हैं मुजफ्फरपुर के। तो अभी फिलहाल के एक शो छूटा है और वहाँ की ऑडियंस से मैंने खुद यही बात की, मैंने तो बहुत खुश है और मुझे बोले मैम ऐसी फिल्में और बनाइए आप लोग। तो बस यही है कि अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि काजल वुमेन ओरिएंटेड लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अभी मालूम चला कि आप चमकी बुखार बीमार बच्चों से मिलने गई थी, क्या कुछ कहेंगे वहाँ जा करके? जी एक्चुअली मुझे पर्सनली अंदर जाने मिला, मैं और मेरी माँ माया यादव जी और हमारी टीम गई थी अंदर और मैं बच्चों से मिली, उनके माता पिता से बात की, मैंने हमारी पूरी टीम ने उनसे बात किया और बहुत खुशी की बात ये है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि आज बहुत से बच्चे जो है ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी बारिश हो चुकी है यहाँ पे और डॉक्टर्स का भी यही मानना था कि एक बारिश के बाद जब दूसरी बारिश होगी तो ये जो भी बीमारी फैली है वो ठीक हो जाएगा। तो बस आप सब प्रे कीजिए कि जो बच्चे बीमार ना हो और जो भी बच्चे बीमार हैं वो इस बीमारी से चले। तो आज तो मुजफ्फरपुर में बारिश भी हो रही है, आपकी फिल्म भी लगी और आप बच्चों से मिलने भी गई हैं, आपको यहाँ का मौसम क्या लगा? मौसम अब जाके जब से बारिश हुई सुबह तब से बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी बहुत गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल हो रहा था लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, लोग भी खुश हैं यहाँ के लोग, उनके फेस में जो खुशी है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ और कलाकार हैं जरा उनको बताइए। मेरे साथ हर्षित जी है, माया यादव जी है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य सर, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला जी और भी लोग हैं, आदित्य मोहन जी जो हीरो हैं वो दूसरे जगह जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी फिल्म को प्यार दीजिए, प्लीज़। आपको पोस्टर पर देखा गया आप वकील बनी है, क्या रीज़न रहा कि आप वकील बनी है? रीज़न ये था कि लोगों को लगता है कि लड़कियां कुछ लोगों को लगता है सोच सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है, बट ये फिल्म में मैं हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने सोच बदल दिया है लोगों का कि लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, लेकिन वो कब कम नहीं होंगी जब उनका एजुकेशन अच्छा होगा, उनको जो चीज़ करना है जैसे पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तब जाके वो उस काबिल बन सकती है कि वो आगे जाके स्टैंड ले सके लाइफ में। तो मैं हर माता पिता हमारे जो भी यूपी बिहार के लोग हैं अक्सर देखा गया है यहाँ पे इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है या तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं सब पेरेंट्स से यही अपनी बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको अच्छा इस मुकाम पर बनाइए कि वो खुद अपना जीवन अच्छा चुन सके और अपने वो कोई भी मुसीबत का सामना करे तो उसमें डटी रहे, ना कि सुसाइड जैसा कदम उठाए और मरने पे मजबूर हो जाए, वो इतनी स्ट्रांग बन जाए कि वो खुद अपने लिए लड़ सके। चमकी बुखार से बच्चों से दो दिन पहले खेसारी लाल यादव मिलने आए थे, उसके बाद मैं काजल यादव नहीं आप मिलने आई हैं, भोजपुरिया दर्शकों से कुछ कहेंगे? भोजपुरिया दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि जैसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नेगेटिव वे में भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे सिचुएशन को आप प्लीज़ नेगेटिव वे में ना लें जी, जो आर्टिस्टों के पास वक्त था वो आए हैं और भी लोग आएंगे, तो जो लोग नहीं आने पाए प्लीज़ आप उनके बारे में कुछ गलत शब्द यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है जब हमारी ऑडियंस एक हीरोइन के बारे में कुछ गलत शब्द बोलती है। और वैसे तो हम थे यहाँ पे तो हमें मिलना ही था, खेसारी जी भी आए हैं और भी कलाकार आएंगे और भी कलाकार जो ऐसे हैं जो अंदर से मदद कर रहे हैं जो सामने नहीं आते, प्लीज़ आप सब से भी जो कुछ भी मदद हो प्लीज़ वो मदद कीजिए, चले वो मदद एक रुपये का क्यों ना हो, तो प्लीज़ कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट जिसकी जितनी जितना कर सकता है वो कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, हमारी पूरी भोजपुरिया समाज चमकी बुखार के बच्चे लोगों के साथ है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब पॉजिटिव रहिए और भगवान से प्रे कीजिए कि वो बच्चे ठीक हो जाए।
धन्यवाद हम सुनने के लिए।